दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से बजट फीचर की मदद से टेली प्राइम के अंदर आप अपनी कंपनी के सभी एक्सपेंसेस को यहां पर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों बजट एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप अपने सभी एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों टेली प्राइम के इस फीचर की मदद से आप यहां पर जान सकते हैं कि आपका पूरे साल में कितना एक्सपेंस यहां पर किया जाएगा और आपको उसे किस तरीके से मैनेज करना है। दोस्तों अगर हम बात करें अपनी कंट्री की या फिर अगर हम बात करें अपने घर की, हर एक चीज का अपना बजट होता है। कंट्री भी यहाँ पर अपने हिसाब से अपना बजट बनाती है कि उसे पूरे साल में कितना एक्सपेंसेस करना है, और उसी तरीके से हमारा घर का भी जो एक्सपेंसेस होता है उसका भी हम यहाँ पर अपना एक बजट तैयार करते हैं कि हम पूरे साल में यहाँ पर कितना खर्चा कर सकते हैं और कितनी सेविंग कर सकते हैं। तो इन सभी को मैनेज करने के लिए टेली प्राइम में एक ऐसा फीचर दिया गया है जिसकी मदद से हम अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे प्रैक्टिकल तरह से समझने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो यहाँ पर आपको इस फीचर के बारे में अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें हमने अपने सभी एक्सपेंसेस को डिफाइन किया है, साथ के साथ हमने यहाँ पर अपना बजट भी डिफाइन किया है, और इसके अलावा हमने यहाँ पर अपना एक्चुअल अमाउंट भी डिफाइन किया है जो कि हमने यहाँ पर इस साल खर्च किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च यानी 2024 से 25 के अंदर हमने जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ पर पे किए हैं उन सभी का यहाँ पर हमने एक चार्ट बना रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ लेजर्स भी क्रिएट करने हैं जिसकी मदद से आज हम आपको बताएंगे कि आप टेली प्राइम के अंदर किस तरीके से बजट को आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो टेली प्राइम के बजट के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर व्यवसाय को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी आय पर नज़र रखनी चाहिए। बजट ऐसे व्यय नियंत्रण पर आय ट्रैकिंग को प्राप्त करने में मदद करता है। टेली प्राइम में आप बजट बना सकते हैं और बजट को बदल या हटा सकते हैं। यदि बजट में कोई अंतर है तो आप उसे देख भी सकते हैं और ऐसे अंतर के कारणों को आप विश्लेषण भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप किस तरीके से टेली प्राइम में ऐड करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं बजट एक्सपेंसेस के नाम से, और यहाँ पर हम कंपनी का एक एड्रेस फिल कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आपको अपने पिन कोड को फिल कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर फिल कर देना है जो भी आपकी कंपनी का यहाँ पर टेलीफोन नंबर है, और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी के मोबाइल नंबर को फिल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फैक्स नंबर फिल कर देना है। तो रैंडमली हम ये सभी नंबर्स फिल करते हुए नीचे आ जा रहे हैं, और यहाँ पर हम रैंडमली एक ईमेल आईडी फिल कर देते हैं, और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट को फिल कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और यहाँ पर आपके सामने कंपनी फीचर्स आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने यहाँ पर कहीं भी बजट का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शो मोर का, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बजट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस बजट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट क्रिएशन विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप अपने बजट का जो भी नाम देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे केस में हम अपने बजट का नाम दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका अंडर ऑफ ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे प्राइमरी रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पीरियड आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से साल का यहाँ पर अपना बजट एक्सपेंसेस तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल को रखते हुए यानी 1 अप्रैल 2024 को रखते हुए यहाँ से 31/3/2025 को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यानी दो तरीके से आप यहाँ पर बजट को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है सेट अल्टर बजट ऑफ ग्रुप्स का। तो यहाँ पर अगर आप ग्रुप वाइज कोई भी बजट सेटअप करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अपना जो ग्रुप है
वो सेलेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइप ऑफ बजट्स का। बजट यहाँ पर दो तरीके से सेटअप किया जाता है। पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस, और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन नेट ट्रांजैक्शन। यानी अगर आप यहाँ पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अमाउंट देना होगा जो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, और अगर आप यहाँ पर ऑन नेट ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप अपने बजट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम अपना क्लोजिंग बैलेंस टाइप कर देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तैयार किया है जिसमें हमने सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस रेंट और वाटर बिल को यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट के हिसाब से हमने जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर टाइप की है उसका टोटल जो हमारा बजट अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख रुपये का हमारा टोटल बजट अमाउंट है, और यही 1.5 लाख रुपये हमें वहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपये टाइप करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। इसके अलावा अगर आप और भी कोई एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो एक्सपेंसेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक ही एक्सपेंस को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो आपको लेजर्स का दिखाई देगा। तो हम लेजर वाइज यहाँ पर अपने सभी एक्सपेंसेस को सेटअप करने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए इस पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक और विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमें सभी लेजर्स को क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला लेजर हमारा यहाँ पर सैलरी है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी इन सभी एक्सपेंसेस के लेजर्स को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो एक एक करके हम इन सभी एक्सपेंसेस के लेजर्स को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ सी। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते ही आप यहाँ पर अपने सैलरी एक्सपेंसेस को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यानी सैलरी का लेजर आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। सैलरी लिखते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो अंडर ग्रुप आप यहाँ पर देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए इसे एंटर करके यहाँ पर इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने बजट ट्रांजैक्शन टेबल आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी हम अपना जो कैलकुलेशन रखना चाहते हैं वो ऑन क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ऑन क्लोजिंग बैलेंस को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें अपना अमाउंट फिल करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सैलरी का बजट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम 80,000 रुपये डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा एक्सपेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जिसका अमाउंट यहाँ पर 25,000 रुपये का हमने यहाँ पर बजट रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑल्ट सी के साथ हम यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इसको अंडर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑन क्लोजिंग बैलेंस को रखते हुए यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 25,000 रुपये और उसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑफिस रेंट का एक्सपेंस है, तो यहाँ पर इसका जो बजट हमने रखा है 25,000 रुपये रखा है। तो यहाँ पर भी हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे ऑफिस रेंट का और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए इसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑन क्लोजिंग बैलेंस रखते हुए यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 25,000 रुपये। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो वाटर बिल है और इसका जो एक्सपेंस हमने रखा है वो 20,000 रुपये रखा है। तो यहाँ पर ऑल्ट सी के साथ हम यहाँ पर वाटर बिल का एक लेजर बनाएंगे जिसे अंडर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए इसे कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑन क्लोजिंग बैलेंस रखते हुए इसका जो बैलेंस अमाउंट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो 20,000 रुपये हमने डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हम 20,000 रुपये रखते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी एक्सपेंसेस की लिस्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने बजट को यहाँ पर सेटअप कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है, यानी हमने यहाँ पर सैलरी का जो बजट बनाया था वो 80,000 रुपये का बजट यहाँ पर बनाया था और हमारी तरफ से जो खर्चा हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 80,000 रुपये का ही खर्चा हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो बजट बनाया था इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो यहाँ पर 25,000 रुपये का बनाया था, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 28,000 रुपये का हमारा यहाँ पर खर्चा हो गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भी बजट अमाउंट था उसकी टोटल जो वैल्यू थी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपये है, और यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस खर्च हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपये का हमने अपना बजट आउट कर लिया है, यानी 5,000 रुपये का एक्सपेंस हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है। अब इसको किस तरीके से हम यहाँ पर अपने टेलीप्राइम के अंदर देखेंगे और किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे आइए जानते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आएंगे और उसके बाद आ जाएंगे वाउचर के अंदर। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर हमें प्रेस करना है F5। अगर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन ना हो तो
तो यहाँ पर आप F5 की मदद से पेमेंट विंडो पर आ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ पर कैश को ले लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस यहाँ पर पे कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो एक्सपेंस हमने पे किया है वो 28,000 रुपये का यहाँ पर पे किया है। हमारा जो बजट था वो 25,000 रुपये था, तो यहाँ पर हम 28,000 रुपये की पेमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम 28,000 रुपये डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से स्पेस दबाते हुए हम दूसरा एक्सपेंस यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ऑफिस रेंट लेते हैं और ऑफिस रेंट का आप यहाँ पर एक्सपेंस दे सकते हैं। हमने यहाँ पर 25,000 रुपये रखा है और यहाँ पर हमसे जो खर्चा हुआ है वो 25,000 रुपये का ही हुआ है। तो यहाँ पर हम 25,000 रुपये डालते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा सैलरी है। सैलरी आप यहां पर देख सकते हैं हमने जो रखा था बजट अपना 80,000 रुपये, तो हमारी जेब से 80,000 रुपये ही सैलरी के नाम से यहां पर खर्च हुआ है। तो यहां पर हम 80,000 रुपये डालते हुए एंटर प्रेस करेंगे। और इसी तरीके से लास्ट एक्सपेंस आप यहां पर देख सकते हैं वाटर बिल है। वाटर बिल का जो हमने यहां पर बजट बनाया था वो 20,000 रुपये का बनाया था, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं वाटर का जो खर्चा हमारा हुआ है वो 22,000 रुपये का यहां पर हुआ है। तो यहां पर हम 22,000 रुपये का पेमेंट करते हुए यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। उसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो टोटल एक्सपेंस यहां पर हुआ है वो यहां पर 155,000 रुपये का हुआ है, और हमने यहां पर जो बजट बनाया था वो यहां पर 1,50,000 रुपये का बजट बनाया था। तो दोस्तों इस एंट्री को हम एंटर करके यहां पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम यहां से स्कैप करके बाहर आएंगे और यहां से आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस का, इसको सेलेक्ट करते हुए आपको यहां पर एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने यहां पर टोटल क्या क्या चीज़ें खर्च की हैं वो सभी लिस्ट आपको यहां पर दिखाई देगी। आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। ऑल्ट F1 प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सभी एक्सपेंसेस आपको यहां पर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं बजट की, तो बजट वेरियंस को देखने के लिए आपको यहां पर दिखाई देगा एक F10 का एक ऑप्शन। आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हैं, या तो आप चाहें यहां पर बजट वेरियंस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप बजट वेरियंस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बजट के नाम से हमने यहां पर जो भी अपना एक्सपेंस बनाया था वो आपको यहां पर दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो हमने यहां पर अपना वैल्यू रखा था वो 1,50,000 रुपये का यहां पर रखा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस रेंट, सैलरी और वाटर बिल इन सभी का यहां पर हमने बजट बनाया था 1,50,000 रुपये का। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा एक्चुअल अमाउंट यानी जो हमारा एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट है वो आप यहां पर देख सकते हैं 1,55,000 रुपये का हुआ है। और आप यहां पर देख सकते हैं बजट वेरियंस के अंदर आप यहां पर 5,000 रुपये माइनस में जा चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेलीप्राइम के अंदर अपने बजट को सेटअप कर सकते हैं, अपने बजट को देख सकते हैं कि आपका जो बजट है वो यहाँ पर आपकी कंपनी के हिसाब से अबव जा रहा है या फिर बिलो आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बजट का यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।